नमस्कार, स्वागत है आपका द हिंदू और ये न्यूज में, जहां उठाते हैं आपकी आवाज सत के साथ। आज नेशनल डॉक्टर्स डे के अवसर पर कैनविन फाउंडेशन और रेडक्रॉस सोसाइटी द्वारा एक रक्तदान शिविर आयोजित किया गया, जहां लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। साथ ही हमने कैनविन फाउंडेशन के फाउंडर डीपी गोयल से भी बात की, जहां उन्होंने बताया कि लोगों की निस्वार्थ सेवा ही उनके फाउंडेशन का एकमात्र उद्देश्य है। उन्होंने ये भी बताया कि कोरोना की दूसरी लहर के दौरान भी वे लोगों की सेवा में लगातार जुटे रहे। आइए सुनाते हैं आपको उनकी ये बात। सर, सबसे पहले तो आपको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर, क्या मुहिम आपने चलाई है, ब्लड डोनेशन आप कर रहे हैं किस तरह? ये हमारे जो शुरुआत हुई इस कार्य की, ये भारत विकास परिषद के आदेश पे या उनके सारा जो भी हमारा सेवा का प्रकल्प है उसके अनुसार हम ये कार्य कर रहे हैं। और हमारे भारत विकास परिषद के संस्थापक डॉक्टर सूरज प्रकाश जी का जन्म उत्सव चल रहा है, तो इसमें हम 15 दिनों का एक पखवाड़ा सेवा के अलग अलग कार्य करके उनको हम श्रद्धांजलि दे रहे हैं। तो उसी के तहत आज हमने ये ब्लड डोनेशन कैंप आयोजित किया है। इसमें एक हमारी जो सहयोगी संस्था वो कैनविन फाउंडेशन और रेडक्रॉस सोसाइटी है। आज मेरा भी जन्मदिन था तो मैंने हमारी टीम ने कहा कि हम ब्लड डोनेट करेंगे, तो एक साझा प्रयास भारत विकास परिषद और कैनविन फाउंडेशन की टीम इसको इस तरह से हम अपना जन्मदिन और डॉक्टर सूरज प्रकाश जी का जन्मदिन हम मना रहे हैं। सर, आज नेशनल डॉक्टर्स डे भी है, तो उस पे आप क्या कहेंगे उसके लिए? देखिए, इसमें जो हम सुनते आए थे बचपन से कि डॉक्टर भगवान का रूप होते हैं, हमने कोरोना समय पर देखा कि कैसे डॉक्टर्स ने 24 घंटे और लगातार पूरे 1.5 साल से हम देख रहे हैं ऐसा कार्य चल रहा है, तो उन्होंने अपने जीवन को दाव पे लगा के, जब हम सब घरों में बंद थे तो उन्होंने अपने जीवन को दाव पे लगा के समाज की सेवा की है। तो आज मैं डॉक्टर्स डे पे उन सभी जो भी हमारे कोरोना वॉरियर्स हैं, जो भी डॉक्टर्स हैं, चाहे किसी भी पैथी से आते हैं, तो उन्हें हमारे को सम्मान देना चाहिए। और मैं सभी डॉक्टर्स को अपने दिल से सैल्यूट करता हूँ, सम्मान करता हूँ, और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि हमारे डॉक्टर्स बिल्कुल ही सेवा भावना से अपना कार्य करें, और जो भगवान का रूप हम उनको बोलते हैं वो इस बात को और ज़्यादा हमेशा के लिए चितार्थ करते रहें। सर, कैनविन फाउंडेशन किस तरीके से लोगों की सहायता करता है और कहाँ कहाँ तक पहुँची हुई कैनविन फाउंडेशन, क्या मतलब? कैनविन फाउंडेशन का एक मात्र उद्देश्य है कि हम कैसे अच्छी हेल्थ सर्विसेज को एक आम आदमी तक पहुँचा पाएँ। देखिए, स्वास्थ्य सेवाएं हमारे गुड़गांव में मेडिकल हब बना हुआ है, स्वास्थ्य सेवाएं बहुत अच्छी मिलती हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं एक आम आदमी की हिम्मत नहीं पड़ती उन बड़े हॉस्पिटलों तक जाने की। तो एक मॉड्यूल हमने तैयार किया सेवा पॉलीक्लिनिक बना के, जिसमें हम अच्छी सेवा भावना के डॉक्टर्स को अपने साथ जोड़ते हैं। हमारे साथ अभी भी करीबन 12-13 डॉक्टर्स हैं जो रिटायर्ड डॉक्टर्स को हम अपने साथ लेते हैं, जिनका लाइफ में कोई पैसा कमाना मोटिव नहीं रहता, सेवा करना मोटिव रहता है, और वो हमारे मोटिव के साथ जुड़ के बहुत अच्छे कार्य करते हैं। तो हमारा मानना है, जैसे दिल्ली में मोहल्ला क्लिनिक बना, उसकी अपनी लिमिटेशंस थी, लेकिन हम एक प्रॉपर एक क्लिनिक गुड़गांव के कोने कोने में बना के लोगों के लिए अच्छी सेवाएं, अफोर्डेबल भी, अप्रोचेबल भी, और ऑब्वियसली एश्योरेबल भी, जहां पे वो विश्वास कर पाएं, इस तरह की स्वास्थ्य सेवाएं हम लोगों को प्रोवाइड कर पाएं। ये हमारा एक छोटा सा प्रयास हमने 2 साल पहले शुरू किया था, और आज हमें बड़ी खुशी होती है कि वो हमारा जो पेड़ था, जो पौधा था, धीरे धीरे बड़ा हो रहा है और वो फलदार वृक्ष बहुत जल्दी बनने वाला है। सर, किस तरीके से आप फंड करते हैं, इसका पूरा क्या प्रोसेस है? देखिए, किसी भी कार्य को करने के लिए यदि हम ये सोच लेते हैं कि इसमें ये बाधाएं हैं, पैसा कहाँ से आएगा, लोग कहाँ से आएगा, तो हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए। हमें जस्ट एक अपने विचार की छोटे छोटे कार्य करके शुरुआत करनी चाहिए। इसमें बहुत ज़्यादा खर्च हमारा नहीं लगता, 10-15-20 लोगों की सैलरी लगती है, कुछ हमारे और मैनेजमेंट के खर्चे लगते हैं। पैसे हम किसी को देते नहीं, लेकिन हम उसको सब्सिडाइज करा देते हैं बहुत सारी सेवाओं को। तो ये हमारा एक इंडिविजुअल, हमारा एक इनिशिएटिव मान लो, या छोटे छोटे जो भी हमारे को जरूरत होती है हम समाज से मांगते हैं, वो मिल जाते हैं, पैसे की कोई ज़्यादा दिक्कत आती नहीं है। और सर, किस तरीके से, किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है आपको, और किस तरीके से आगे बढ़ना है? चुनौतियाँ देखिए, जहाँ चुनौतियाँ नहीं वहाँ फिर सक्सेस का मज़ा भी नहीं आता। तो चुनौतियाँ तो ऑब्वियसली रोज़ रहती हैं। अब मान लो कोई ब्लड मांगता है, 10 ब्लड यूनिट की ज़रूरत है, हमारे पास कई बार नहीं हम अरेंज कर पाते हैं। अब कुछ चुनौतियाँ कोरोना के टाइम पे बहुत सारी थी, लेकिन फिर भी यदि हम सिर्फ छोटी छोटे प्लानिंग करें, छोटे छोटे काम का लक्ष्य लें, तो वो सारी जो हमारी आपदा है वो अवसर में बदल जाती है। अभी हमने कोरोना में जब बेड नहीं मिल पा रहे थे, तो हमने एक ओयो की बिल्डिंग लेके और डीसी साहब के आदेश पे, उनके सहयोग से सीएमओ साहब के, हमने एक छोटी सा प्रयास किया, ऑक्सीजन के सिलेंडर अवेलेबल करा के, और जो हमारी तैयारियां थी डॉक्टर की, हमने एक अच्छा एक हॉस्पिटल तैयार किया। और मुझे बताते हुए बड़ा गर्व होता है कि एक महीने के अंदर अंदर हमने 120 पेशेंट्स की वहाँ पर फिजिकली हमने वहाँ रख के उनकी सेवा की, उनको ठीक करने में कहीं ना कहीं हमारी कैनविन का योगदान रहा, और एक भी कैजुअल्टी वहाँ पे नहीं हुई। तो जो भी छोटी छोटी चुनौतियाँ आती हैं,
हमें उसको सीखने का माध्यम बनाना चाहिए और दिल से काम करना चाहिए। आपके दिल में मन में किसी तरह की कोई सेकंड थॉट नहीं होनी चाहिए कि आपने सेवा के काम से कुछ ना कुछ अपना फ़ायदा करना है। जब आप इस सोच से करते हैं काम तो भगवान भी आपका साथ देता है और नेचर भी आपका साथ देता है। अपने मैं पूरी हमारी पूरी कैनविन टीम को, समाज के अलग अलग कोने से जो सामाजिक संस्थाएँ हैं, सामाजिक कार्यकर्ताएँ हैं, जो हमारे और भी लोग जो बुज़ुर्ग लोग हैं घर पर वो कुछ दे नहीं पाते लेकिन अपने घर से बैठे बैठे हमें ब्लेसिंग्स देते हैं, मैं उन सबका शुक्रगुजार हूँ और दिल से उनका धन्यवाद करता हूँ कि आप इसी तरह अपनी ब्लेसिंग्स बनाए रखें। हम आपको ये विश्वास ज़रूर दिलाते हैं कि हमारी कैनविन फाउंडेशन काम बेशक थोड़ा कर पाए लेकिन शुद्ध नीयत से करेगा। कभी इस पर मैं अपनी पूरी जान लगा दूंगा, इस पर दाग लगने नहीं दूंगा, तो आप इस पर पूरा भरोसा कर सकते हैं। ऐसे ही बड़ी तमाम खबरें और जानकारियों के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।